नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गर्ग। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। पटना में 15 जिलों में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट 7 दिन में NHAI पूरा कर देगी काम। एक मिनट में 960 लीटर ऑक्सीजन बनेगी, मरीजों को सीधी सप्लाई मिलेगी। हर टीके पर सबका हक, वैक्सीन से जुड़े पेटेंट सस्पेंड करने के भारतीय प्रस्ताव पर अमेरिका तैयार। एमपी सरकार के प्लान की कैश लैंडिंग, गुजरात से रेमडेसिविर ला रहा है विमान, ग्वालियर में रनवे पर फिसला, 2 पायलट समेत 3 घायल। रूस में सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी, स्पूतनिक लाइट की एक ही डोज 80% तक असरदार, कीमत $10 यानी 730 रुपए से भी कम। एमपी में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन, सख्ती से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज बोले, गाँव में संक्रमण नहीं रोका तो हालात काबू से बाहर होंगे। राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, 31 मई तक शादी समारोह पर रोक, घर पर 11 मेहमानों के साथ करा सकेंगे फेरे, मनरेगा के काम और सार्वजनिक परिवहन बंद। मासूमों पर वायरस का कहर, महाराष्ट्र में 1,47,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सबसे ज्यादा 75,000 बच्चे सिर्फ 2 महीने में संक्रमित हुए। कोरोना का नया रिकॉर्ड, देश में बीते 24 घंटों में 4.14 लाख मरीज मिले, यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार। सरकार का दावा फेल, टेस्टिंग घटी, कोरोना के मामले नहीं, अभी भी संक्रमण बना हुआ है खतरनाक। हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर का दावा, भारत में वायरस के नए वेरिएंट को ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती, अच्छी बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन हर स्ट्रेन में कारगर। कोरोना के खिलाफ युद्धरत हमारी सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया किस तरह देशवासियों की जान बचा रहे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कोरोना में लूट खसोट पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, लोगों में नैतिकता इस कदर खत्म हो चुकी है कि कोरोना से मिलकर लड़ने की बजाय ऑक्सीजन दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं। वैक्सीन की खबर, बच्चों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कनाडा में मंजूर, अमेरिका में फैसला अगले हफ्ते। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में वैक्सीन लगवाने वालों में एशियाई ज्यादा, डोज लेने में दूसरा बड़ा आंकड़ा श्वेत वयस्कों का। कोरोना में आंखों का खतरा, जयपुर में 15 दिन में 52 कोरोना पीड़ित डायबिटीज रोगी दृष्टि खो चुके हैं। आंखों में परेशानी हो तो देर ना करें, 7-8 दिन की देरी भी घातक। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से सरकार का मुफ्त इलाज, एक कार्ड पर पूरे परिवार को मिलेगा फायदा, प्राइवेट अस्पतालों को पैकेज के अतिरिक्त 40% राशि देगी सरकार। मुंबई में ऐसे लगी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, चेस द वायरस और वार्ड वॉर रूम का प्रयोग रहा सफल, घर घर जाकर मरीजों को खोजा। महाराष्ट्र में कोरोना से राहत नहीं, पिछले 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड 920 लोगों की मौत, राज्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू। मुंबई में इसीलिए नहीं कम हुआ ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बड़ी टंकियां और प्लांट तो पिछले साल ही बना लिए थे, समय पर सप्लाई और निगरानी के लिए 6 ऑफिसर नियुक्त किए। हेल्थ इंश्योरेंस, कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसियों में मिले प्रीमियम के मुकाबले 150% से ज्यादा का पेमेंट, अब कंपनियां कोरोना कवच पॉलिसी देने में कर रही आनाकानी। आज की खास खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।